पता चल रहा है अम्मी बाबा का? मैडम मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उनका कत्ल कर दिया गया है। क्यों छोड़ के चले गए आप दोनों मुझे? मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? क्या करूंगी मैं? पहले ही मेरी जिंदगी जहन्नम से बदतर थी, लेकिन आप दोनों का चेहरा देखकर खुद को संभाल लेती थी मैं। अब मैं किसके पास जाऊंगी? कितनी बार मैंने सोचा कि आप दोनों को सब कुछ सच सच बता दूं, पर मैंने कोशिश भी की, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात कभी सुनी नहीं। हमेशा मुझे ही गलत कहा। लेकिन अब मैं सब कुछ बताया करूंगी आप दोनों को। आप जानते हैं साहिर कहाँ है? इसका जेल में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे साहिर का हाथ है। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं साहिर को उसके किए की सजा दिलवा के रहूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आप भी हमें बहुत अफसोस है मैडम। कातिलों का कुछ पता चला? नहीं, मगर हम इस केस पर काम कर रहे हैं। आप तसल्ली रखें, बहुत जल्द आपके वालिदैन के कातिल सलाखों के पीछे होंगे। वो ऑलरेडी सलाखों के पीछे है। कौन? वही शख्स जिसने मेरे माँ बाप को अगवा किया था, उसी ने कत्ल भी किया है। आप ये अगवा की FIR तब्दील करें और कत्ल की FIR लिखें। आपके पास कोई सबूत है? सबूत? क्या पुलिस ने शक की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दिया? मगर मैडम आप तो... मगर क्या? क्यों नहीं ठीक से कर रहे हैं आप लोग अपना काम? मेरा काम है कातिल की निशानदेही करना और आप लोगों का काम है सबूत इकट्ठा करना। अपना काम ठीक से करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का काम किसी और को करना पड़े। अकेली हूं मैं इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी तो कोई परवाह नहीं होती, साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? धमकी दे रही हैं आप मुझे? गिरफ्तार कर सकता हूँ मैं आपको। करें गिरफ्तार मुझे, देर किस बात की है? करने को तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बहुत से तमाशे देखे मैंने अपनी जिंदगी में, यहाँ पे भी एक ऐसा तमाशा लगाऊंगी, फिर आप लोग सब अंदर होंगे और मैं बाहर। ये क्या कर रही है? इंडिया पे भी चलेगी,
क्या कर रही हैं आप? मैं अभी आपकी रिपोर्ट लिखवाता हूं। नजीर जल्दी आओ। बहुत अफसोस हुआ अंकल आंटी का सुन। मुझे तो उन्हें आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। बहुत अच्छे लोग। दुख इस बात का जब आखिरी बार मिला भी तो उन्हें मुझसे बहुत गिरा था। मैंने जो कुछ किया कोमल के लिए किया। गिला कर भी किस तरह सकता हूं? सीमा अंकल और शमशा आंटी, मत ले अपनी गंदी जुबान से उनका नाम। मैं जानती हूं साहिर, आप ही ने कत्ल करवाया है उन्हें और उसकी सजा मैं आपको दिलवा के रहूंगी। फांसी की सजा दिलवाऊंगी मैं आपको। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहां? ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। मेरे पास भी यहाँ की चाबियां हैं। अच्छा, तो अब आई है तुम्हें इस घर की याद? और जब मैं अम्मी और बाबा को ढूंढ रही थी तब तुम कहाँ थे? राइट, तुम दोनों की तो नई नई शादी हुई थी। यू गाइस मस्ट बी सेलिब्रेटिंग। आप होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? किया क्या है मैंने? शादी ही की है ना, अब कोई जवाब ही नहीं है। सांप सूंघ गया या जुबान को ताला लग गया? None of that. ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे तुम्हारी तरह इस लहजे में बात करनी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती थी मगर आपने सब कुछ सिखा दिया। बहुत बुरी हूं ना मैं? इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी। तुम दोनों जाओ, उस घर में जाके रहो जहां तुम दोनों रुखसत होके गए थे। जाओ ना उस इंसान के पास जाके रहो जो तुम दोनों को अपना मेहमान बनाकर लेके गया था। उसका घर बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक बीमार बाप है वहां पे जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज नहीं तो कल। और साहिर वो भी तो नहीं है वहां पे, क्योंकि वो जेल में है। केस किया है मैंने उस पर, तुम्हारे और अपने मां बाप के कत्ल का केस किया है। अब तो साहिर को फांसी होके रहेगी, फिर तुम दोनों करना है ऐश वहां पे, मजे से रहना। लेकिन इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। कितनी बेवकूफ हैं आप। आपको लगता है कि केस करने से साहिर भाई को फांसी हो जाएगी? ये देखें, ये अम्मा और बाबा की बैंक स्टेटमेंट्स हैं। सब कुछ ले लिया गया था उनसे, सब कुछ खाली है। पुलिस ने साहिर भाई ने सब कुछ पैसों के लिए किया है। मुझसे ज्यादा तो साहिर भाई को आप जानती थी ना, तो फिर ये भी जानती होंगी कि पैसे उनके लिए बिल्कुल बेमायने थे। कोमल ठीक कह रही, पहले साहिर को ये करके क्या फायदा? शट अप सरमद, खबरदार
मेरे मियाँ के साथ इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चाय पी के जाना। ईश्वर, ईश्वर, सर, प्लीज प्लीज इसे रहने दे। आपकी सांस ठीक नहीं है, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे तो फिर बात करेंगे, अभी आपको आराम की जरूरत है। ईश्वर, सर उसके वालिदैन की तदफीन है आज, वो अपने घर गई है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सर मैं अभी हाजिर हूं। सर ईश्वर, ईश्वर बेटा कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक। तुम्हारे माँ बाप कब सुन के अफसोस हुआ बेटा? मैं भी तो बाप हूँ तुम्हारा, मेरे पास आ जाओ ना बेटा, बेटा आ जाओ। नहीं आ सकती अम्मा, उस घर से बहुत सी तल्ख यादें जुड़ी हुई है मेरी, जिन्हें मैं सिर्फ भुलाना चाहती हूँ। तो तुम मेरे पास आ जाओ ना बेटा, आ जाओ। मैं तुम्हारे खिलाफ केस लड़ूंगा। आ जाओ ना बेटा, आप अपना ख्याल रखिए बाबा, मैं आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी आपसे मिलने।
भी मुझसे दूर चली गई कोमल। काश तुमने खुद को एक मौका दिया होता मुझे समझने का। क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम पे? बड़ी बहन हूं तुम्हारी, क्या मैं तुम्हें डांट नहीं सकती, समझा नहीं सकती? कोमल तुम गलती पर थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। पहले तो बहुत पूछती थी मुझसे क्या हुआ है, आपका मूड क्यों ऑफ है, आप अपसेट क्यों है, सब ठीक है ना? देखो आज मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूं, कोई भी नहीं है मेरे पास, तुम भी नहीं हो। कोमल मुझे अपना कांधा तो दिया होता रोने के लिए, इशारा तुम्हारी तरफ नहीं था, सरबत की तरफ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहां रहे, चाहती थी कि वो चला जाए, लेकिन तुम क्यों गई? सबने मुझे छोड़ दिया, तुमने भी छोड़ दिया। मुझे डिवोर्स चाहिए और साथ हक महल की रकम भी। मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन लेकिन ये रिश्ता मत तोड़ो। नया घर ढूंढ लिया हमने। मुझे क्यों बता रही हो? आपको जहां रहना है आप रहें, यहां या फिर बाबा वाले घर में, लेकिन मुझे उस मकान से अपना हिस्सा चाहिए।